हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको 19 पॉइंट की हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से वैलेंटाइंस डे पर गुलाब का बहुत ही खूबसूरत सा चित्र बनाना सिखाएंगे। आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और हो सके तो आप हमारे साथ ही बनाते रहिएगा। पहले स्टेप में जो है यहाँ पर आप जो है 5 पॉइंट लगा देंगे। और पॉइंट लगाते वक्त आप ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जो है जब हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा ये सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, यहाँ से आपको जो है 4 पॉइंट लगाना होगा। ये हो गया हमारा 4 पॉइंट। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखा देंगे। फिर इसके बाद जस्ट आपको इसकी इसी के बगल में जो है 4 पॉइंट और लगाना होगा। 4 पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आप ऐसे 3 लगा दीजिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको जो है गुलाब का चित्र बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी 100% गारंटी है दोस्तों। यहाँ पे हमारा 19 पॉइंट हो गया। अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है, बीच का जो है 1, 2, 3, 4 पॉइंट, इसको इस पॉइंट पे आपको आना होगा। यहाँ से एक ऐसे हाफ सर्किल बनाइएगा, एक यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा। यही सेम प्रोसेस जो है आपको नीचे की तरफ भी ऐसे रिपीट करना होगा। वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर यहाँ तक हो जाने के बाद आपको करना क्या है, एक लाइन यहाँ पे नीचे की तरफ हम बना देंगे, इस पॉइंट को मिला दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी रिपीट कर देंगे। रिपीट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ नीचे की तरफ जो है ऐसे एक हाफ सर्किल बना दीजिएगा। हाफ सर्किल हो गया हमारा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है आप जो है पहले तो एक सर्किल बनाइएगा। छोटा सा सर्किल बनाने के बाद ऊपर की तरफ हाफ सर्किल करते हुए अंदर की तरफ कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी ऐसे रिपीट कर देंगे। फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिएगा, एक छोटी सी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। छोटी सी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे ले जाइएगा। सेम प्रोसेस आप इस साइड भी ऐसे रिपीट कर देंगे। और यहाँ तक हो जाने के बाद देखिएगा, अब आपको करना क्या है, इस लाइन को यहाँ नीचे वाले जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट देखिएगा, इस पॉइंट से आपको इसको आगे की तरफ बढ़ाना होगा। सेम प्रोसेस जो है आप इस साइड भी ऐसे रिपीट कर देंगे। एक हाफ सर्किल यहाँ पे बनाइएगा, एक हाफ सर्किल आप यहाँ पे बना दीजिएगा। हाफ सर्किल बनाने के बाद इसको अंदर की तरफ, यहाँ से बाहर की तरफ करते हुए फिर इसको हम ऐसे आगे की, अब नीचे की तरफ ये वाले पॉइंट से आप एक हाफ सर्किल इस साइड बनाइएगा, एक हाफ सर्किल हम यहाँ पे बना देंगे। हाफ सर्किल बनाने के बाद आप इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ से डबल कर देंगे। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी रिपीट कर दीजिएगा। अब देखिएगा, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हुए एक हाफ सर्किल यहाँ पे, एक हाफ सर्किल यहाँ पे, फिर इसको हम नीचे की तरफ यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद अब दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ से इस वाले पॉइंट जो बीच वाला पॉइंट है, आपको ऐसे एक हाफ सर्किल बनाते हुए यहाँ पे ले जाना होगा। अंदर की तरफ करिएगा, फिर इसको बाहर की तरफ करते हुए फिर यहाँ से आप ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे। सेम प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे भी ऐसे रिपीट करना होगा। तो ये हमारा जो है एक बड़ा सा जो है गुलाब की पंखुड़ी बन जाएगा। गुलाब की पंखुड़ी बनाने के बाद देखिएगा, अब आप यहाँ पे एक ऐसे गुलाब का जो है पत्ती बना देंगे। जब भी आप गुलाब का फूल बनाएं तो उसके साथ जो है हमें गुलाब की पत्ती जरूर बनाना चाहिए। तो ये हमारा वैलेंटाइंस डे पे बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही आसान तरीके से गुलाब का फूल बनके तैयार हो गया। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।